आम आदमी पार्टी के विधायकों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई कल होगी, लेकिन बीजेपी ने उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी। बीजेपी नेता विजय गोयल ने कहा है कि दिल्ली की जनता 20 सीटों पर आपके विधायकों को हराएगी। गोयल ने इन सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। केजरीवाल साहब को त्याग पत्र दे देना चाहिए। उनको भेजा इसलिए गया था कि दिल्ली के अंदर विकास होगा, उन्नति होगा, नए तरीके से काम होगा, पर चिंता की बात यह है कि उनके ज्यादातर विधायक जो हैं भ्रष्टाचार और दूसरे कामों के अंदर लिप्त हो गए। वहीं दिल्ली के सीएम मनीष सिसोदिया ने चुनाव आयोग को ही चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि किसी भी विधायक ने एक रुपए का भी फायदा नहीं लिया। ये बहुत ही बायस्ड ओपिनियन है, किसी भी रूप में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया गया, इसमें कोई सुनवाई नहीं की गई। रविवार को आपके कई विधायक सीएम केजरीवाल से मिलने पहुंचे, हालांकि उन्होंने इसे रूटीन मुलाकात बताया और कहा कि उनके पास अभी कई विकल्प मौजूद हैं। सारे लीगल ऑप्शंस अभी बाकी हैं, हाई कोर्ट में भी अपील जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। कहते हैं कि हमारी हियरिंग जो भी हुई है वो केवल डॉक्यूमेंटेशन पे हुई थी, हमारा आर्गुमेंट अभी तक शुरू नहीं हुआ था। तो जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आर्गुमेंट ही शुरू नहीं हुआ तो डिसीजन कहेगा कौन सा रिकमेंडेशन चला गया, वी डोंट नो एनीथिंग। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलने का भी वक्त मांगा है और विधायकों की सदस्यता पर फैसला भी राष्ट्रपति को ही करना है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को आपके 20 विधायकों को लाभ के पद का दोषी करार दिया था।